विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर प्रचार कल शाम थम गया और अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी, यानी कल वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि बीजेपी एसपी के अलावा बीएसपी ने भी अपनी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। बीजेपी के आक्रामक प्रचार का क्रम तो जारी है। पहली बार अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव में सभी सीटों पर पसीना खूब बहाया है। प्रदेश में बीजेपी के कोटे में रही गाजियाबाद, खैर और फूलपुर, इसके सहयोगी आरएलडी के सीट मीरापुर और निषाद पार्टी की सीट रही मंझावा में उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही एसपी के कब्जे में रही कुंद्रा की करहल, कटहरी, सीसामऊ पर भी वोट डाले जाएंगे। तो ये 9 सीटों पर कल वोट डाले जा रहे हैं। और आप खबर उन्नाव से लेते हैं, जहां पर एसपी समर्थित सभासद पति और चेयरमैन पति के बीच तीखी झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। दरअसल विकास कार्यों में आ रही दिक्कतों को लेकर सभासद ईओ के दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान चेयरमैन पति प्रवीण मिश्रा के सभासद से झड़प हुई। सभासद चेयरमैन पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सभासद पति ने आरोप लगाया कि चेयरमैन पति ने ठेकेदार के साथ मिलकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चेयरमैन पति ने सभासद पति पर अवैध कामों के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। कर लीजिए सर, ये हमारा लड़का ऊपर काम कर रहा है। चार करीब 40 इनके लोग यहाँ परमानेंट बने रहते हैं, तो वो सब एकदम आगे हम 7-8 सभासद बात कर रहे हैं। कोई हम अपनी समस्या लेके आए, अब वो आ गए, गाली दे दिया गया। कोई बोतल लिए मतलब दौड़ा मार रहा, कोई जूतों से मार रहा, कोई लातों से मार रहा। ये चल, अब ये हम बोल रहे हैं, ये मत सोचिए सब हम झूठ बोले। सीसीटीवी हमारे अभी आप निकलवा लीजिए, नहीं तो अध्यक्ष प्रतिनिधि ये सबको डिलीट करा देंगे कि आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग कह रहे थे जनता काम है, जैसे लाइट है और इतने समय लाइट की बड़ी समस्या है, और हम लोग भी कह लेंगे जैसे काम चल रहे वैसे चलेंगे। बाहर आ गए तब तक हम लोग बैठ गए इसे जमीन पे, तो उनके 4-5 जो लोग थे, और फिर उसके बाद 50-60 लोग आ गए, फिर अचानक हम लोगों को मारने लगे। अध्यक्ष प्रतिनिधि थे कुलदीप चौहान, और ये क्या नाम कुलदीप चौहान और क्रांति, काफी लोग हैं इसमें। पालिका में वीडियो वो लगा है रिकॉर्डिंग का। सिर्फ एक ही दबाव है, जो अवैध अड्डे चल रहे थे पहले उनको फिर से संचालित किया जाए, जो नगर पालिका की इनकम अड्डों से हो रही है उसको रोका जाए और अड्डे सब उनको दे दिए जाए। एक मुद्दा ये है उनका, जो 50 लाख की इनकम सालाना नगर पालिका की बढ़ी है अड्डों से, उसको खटा के ख़त्म कर दिया जाए, फिर जीरो हो जाए। और कई चीज़ों पे है, जैसे वार्ड में कोई ठेकेदार काम करने जाता है उसका कमीशन हमको दे, इन सब चीज़ों को लेके वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे। तो मैंने कहा ये हमसे इस तरह की बात ना करी जाए, ये असंवैधानिक बातें हैं, मैं इनसे अपनी दूरी बना के कार्रवाई कराई जा रही है। बिल्कुल, पुलिस को एप्लीकेशन दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि इनके खिलाफ बिल्कुल जेन्युइन कार्रवाई करी जाए।